So we had done combination of springs last and Yes, we talked sir. about spring block systems. We did parallel when springs are attached in parallel and in series for SHM. But just 2 minutes. 2 minutes may continue. हाँ बच्चों, तो प्लीज रिपीट, कहाँ तक पढ़ाया था सर ने? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? SHM पढ़ा रहे हैं क्या आप लोगों को? यस सर। SHM में कहाँ तक बताया सर ने? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, पैरेलल एंड सीरीज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन सर। ओके, आप लोगों का जस्ट टू रिवाइज, स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ आपको, फेजर डायग्राम वगैरह बता दिया सर ने? यस सर। यस सर। और सिंपल पेंडुलम पढ़ाया क्या सर ने? नो सर, नॉट येट सर। सिंपल पेंडुलम नहीं पढ़ाया। और बुकलेट में क्या क्या हुआ है बच्चों आप लोगों का? सो वन सेकंड सर। So booklet exercise 1 questions 1 to 13 sir. Booklet exercise 1 kya kya rahe bachche? So questions 1 to 13. Okay. And then exercise 2 1 to 20 except 9, 14 and 18. Exercise 2 1 to 1 to 20, but not 9, not 14, and not 18. And in chapter exercise, wagera? Sir, I don't know. So that's just the homework he had given us, sir. Okay, fine. So, what do we do? We study simple pendulum today. Okay? And after simple pendulum, we take a look at simple pendulum related fundamentals. And we will do in sub related questions. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So, आप लोगों को सर ने एक वन मोर थिंग बिफोर मूविंग टू सिंपल पेंडुलम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आएगा, कहीं पर क्या कहते हैं वाटर के अंदर जो SHM होता है उसके रिगार्डिंग कुछ आइडिया दिया है क्या? नो सर। नो सर, ओके फाइन। तो देखना बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली, ठीक है? हेडिंग लिख लो SHM इन फ्लूइड। SHM fluids दिख रहा है क्या बच्चों स्क्रीन पे प्रॉपरली? यस सर। यस सर। सो SHM fluids में
जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स का आइडिया है आपको क्या होता है? इट्स द फोर्स एंड लाइक व्हेन अ लेस डेंस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन वाटर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स द बॉयंट फोर्स. यार इसका आइडिया है ना जनरली, मैं तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी दे देता हूँ इसीलिए मैंने पूछा आपको आइडिया क्या. मैं बता देता हूँ, बॉयंट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. परफेक्ट. फ्लूइड इट्स द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर्स ऑफ आयर. यस 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 परफेक्ट. वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज नथिंग बट मास ऑफ फ्लूइड displaced multiplied by gravity, right? Mass is density of fluid into volume of fluid displaced मल्टीप्लाइड बाय जी. ये पता है बच्चों? यस सर. ओके, दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड. ओके, सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं फाइनल फॉर्मूला लिखूंगा एफ पॉइंट का, डेंसिटी फ्लूइड वॉल्यूम इमर्स्ड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जी. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. यस सर. प्लीज कॉपी दिस. आपका हो जाए तो लेट मी नो. अंशुल डन. आई गेस सबका हो गया है. ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों जो मैंने पढ़ा है इसको एसएचएम में कैसे यूज करेंगे. गिवन है डेंसिटी ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी लिक्विड. ओके, एंड ये एक ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है. यहां पे गिवन है क्यूबिकल ऑब्जेक्ट. जस्ट वन सेकंड.
क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ एल है, इट इज फ्लोटिंग विद साइड लेंथ डी इन वॉटर. ओके बच्चो, यहाँ पे d लेंथ उसका अंदर है तो क्यूब दे रखा है, तो बाहर कितना होगा? l माइनस डी. l माइनस डी राइट. यहाँ पे ये जो बेस एरिया होगा ये कितना होगा? l स्क्वायर. l स्क्वायर करेक्ट. अब ये फ्लोट कर रहा है तो नीचे जो लग रहा है फोर्स दैट इज mg, एंड ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज बॉयंट फोर्स, एंड दे आर इक्वल राइट. इक्वल क्यों है? बिकॉज़ सो इट्स फ्लोटिंग, सो इट्स नॉट सिंकिंग. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट राइट. अब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो बॉयंट फोर्स mg इक्वल है, तो व्हाट आई कैन राइट, hence mg must be equal to F burnt. Mg can be written as density object volume object g, density liquid volume immersed into g right. Up yahan pe volume object can be written as what? L cube into g, density liquid aapko de rakha hai rho l. Volume immersed kya likh sakta hu main? L square, l square into d right multiplied by g right. तो यहां से एक इक्वेशन आ गई आपकी ये ठीक. अब कोई कहता है आपको इफ ऑब्जेक्ट इज जेंटली प्रेस्ड देन what will be the motion? So it would be simple harmonic since the buoyant force is proportional to d. Nahi abhi ruk jao. What will be the motion? Aap jo keh rahe ho that is correct, but buoyant force mein d nahi aayega, d plus x aayega. Theek hai, yes sir. Wo apan dekh lete agar humne gently press kiya तो उसके बाद क्या होगा उसका सिनेरियो मैं बता देता हूं. तो ऐसे केस में लेट ऑब्जेक्ट गोज डाउन बाय वाई, ऑब्जेक्ट वाई से नीचे जा रहा है, वाई से नीचे जा रहा है तो होगा क्या? The buoyant force will increase by rho l l square into y. ये जो depth हो जाएगी, ये हो जाएगी d plus y, right? नीचे अभी भी mg ही लगेगा, ऊपर लगेगा f buoyant dash, right? Which is equal to what? D plus y times L square times rho liquid. Correct. Okay. यहां पे क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा मैं एक चेंज कर देता हूं.
सिंपलिसिटी के लिए इसको एम जी रहने देते हैं. शुडन्ट बी टी प्लस वाई टाइम्स एल स्क्वायर. सो कर रहा हूँ एक सेकंड में वही चेंज कर रहा हूँ. जस्ट वन मिनट. एम जी यहाँ पे अपन देखेंगे एल स्क्वायर रो लिक्विड जी. ओके तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये टॉपिक बताया नहीं है ना सर ने अभी आपको. वाई स्क्वायर नॉट वाई स्क्वायर डी एल स्क्वायर रो लिक्विड इंटू जी प्लस वाई एल स्क्वायर रो लिक्विड इंटू जी, ये लिख सकते हैं राइट? यस सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कॉपी किया है क्या साथ के साथ या आई हैव टू वेट? वन सेकंड. यस आई विल वेट. Yes, sir. Done. So I've also written. Amada and Jibran, let me know once you're done. Okay. Fine. तो यहाँ पे मैं ये वाला लेफ्ट वाला फिगर ड्रॉप कर रहा हूँ. Okay, so what I can see, हमारा F burn dash है, that is D या Y L square rho liquid G plus D L square rho liquid G, ये आएगा. ये हमारा एफ अप है और एम जी हम कितना देख रहे थे इक्वेशन वन से, रो लिक्विड एल स्क्वायर डी जी. ये हमारा का एफ डाउन राइट. क्लियरली एफ अप इज ग्रेटर देन एफ डाउन. यस और नो बच्चों? Yes, sir. इसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें y l square rho liquid g बड़ा है, तो दिस इंप्लाइज f net up क्या हो गया हमारा बच्चों? f up d l square rho liquid g f down. इसको सॉल्व करेंगे तो rho liquid l square g into y g into y y right? Yes, so f is proportional to y and f is opposite to y. Proportional bhi aur opposite bhi hai. Opposite kyun? Y upar ki taraf y niche ki taraf hai, force upar ki taraf hai. F is upwards and y is
डाउनवर्ड्स, राइट? यस सर. दिस इंप्लाइज मोशन विल बी SHM. क्या ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. SHM क्यों कहा? क्योंकि भाई SHM होने के लिए आपका फोर्स क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट टू इट. क्लियर है? Yes, sir. तो अगर SHM है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. Yes, sir. And so the original position, so D submerged is the mean position. हाँ, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? मोशन विल बी SHM. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? हेंस रिस्टोरिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? डी रो लिक्विड एल स्क्वायर जी, राइट? And this can be written as kx, in fact, not kx, आपका एक मिनट, kd, that is low liquid L square g into d. K is equal to rho liquid L square G, which can also be written as rho liquid A G. A is your base area. क्या ये बात समझ में आई जो मैंने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Right. As K is equal to M omega square. Right. तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? जस्ट वन मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है, राइट? तो विच इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? रो लिक्विड ए जी इंप्लाइंग ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट रो लिक्विड ए जी बाय m. m इज mass of object. So we can substitute ms rho a into l. वो आप कर, वो अपन कर लेंगे ना बाद में, है ना? Okay, sir. वो जो आप कह रहे हो. And time period is two pi by omega. समझा क्या? Yes, sir. Okay. Please copy this and then I'll ask you to solve a question from the booklet.
यस सर डन ओके अमायरा एंड जिब्रान अगर आपका भी हो जाए तो लेट मी नो यस सर डन फाइन तो ऐसा करो बुकलेट निकालो बच्चों एक्सरसाइज वन पेज 128 क्वेश्चन नंबर 42 उसको सॉल्व करो बच्चों I'm sorry, I got the answer. Answer कितना आ रहा है अच्छे हैं? C1/2.2 key plus ATG. Very good. Very good. Very good. So we consider that liquid setup as another string, right? हाँ मतलब equivalent. I use the equivalent string concept. Okay. मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जो कह रहे हो आप वो तो है ही एक शॉर्ट ट्रिक अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन डू तो वो भी मैं बता दूंगा यस सर आई गॉट सी यस सर अमायरा एंड जिब्रान वेटिंग फॉर यू गाइस यस सर गॉट सी टू ओके यहां पे बच्चे हमें क्या समझ में आया जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया क्या देखो SHM होता है ये तो प्रूव हो चुका है SHM होने के बाद हमें समझा कि SHM क्यों हो रहा है जो भी एक्स्ट्रा पुश होगा उसकी वजह से होगा जो भी एक्स्ट्रा पुश करेंगे उसकी वजह से जो भी इंक्रीमेंट इन फोर्स आएगा उसी की वजह से आएगा राइट यस सर
तो अगर अपन इन क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को, तो व्हाट आई कैन राइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड, डेल्टा एफ स्प्रिंग के एक्स होगा बच्चों, स्प्रिंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ, एंड डेल्टा एफ एफ बॉन्ड कितना आएगा, डेंसिटी लिक्विड एरिया जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय टू प्लस एक्स, राइट। तो यहां से डेल्टा एफ नेट कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एफ एस एच एन, राइट, विच इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो बस हो गया यहां से काम हमारा, कि ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी व्हाट, के प्लस रो लिक्विड ए जी by m and omega is 2 pi f, right? Clear है क्या? Yes sir. तो आप directly इस तरीके से भी सोच सकते हो, मैंने derivation इसीलिए बताया था। किसी को copy करना है क्या? Fine, I'm waiting. No sir. Is it done? Yes, sir. Okay. तो लिक्विड के अंदर कैसे क्या ऑसिलेट करता है समझ में आ गया। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या सिंपल पेंडुलम नोट डाउन करो। देखो बच्चों बोर्ड पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने हैंग कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, और इसको मैंने जस्ट वन मिनट, हाँ इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्मॉल एंगल थीटा, आई एम ऑडिबल टू यू, हाँ ठीक है, सो स्मॉल एंगल थीटा जहां पे दे रखा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, हमारे केस में हमेशा थीटा स्मॉल ही होगा, ठीक है, वो जो भी वैल्यू देंगे आपको बताएंगे एक्सप्लिसिटली। तो जब ये एफबीडी होगा, मतलब ये जब फिगर होगा राइट वाला, तो यहां पे अगर अपन फोर्सेस देखें वर्टिकली डाउन, एम जी लगेगा बच्चों, यस आई एम, टेंशन यहां पे, टेंशन लगेगा राइट। अब आप लोगों को तो एनएलएम मैंने ही पढ़ाया था, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा राइट, यस सर, तो यहां पे नीचे फोर्स लगेगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस इक्वल टू टेंशन थीटा, राइट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डायरेक्शन में हमारा
there will be no displacement, no acceleration. Yes, sir. Because t is equal to mj cos theta. Length, अरे लड़के, reason क्या है? Length of string is constant. Yes, समझा क्या यार? देखो बच्चे मुझसे पूछते कि सर हमने ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बेवकूफी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना. क्योंकि वर्टिकल में वो एक्सेलरेट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी कर सकता है, बट अलोंग द स्ट्रिंग नहीं करेगा फॉर श्योर, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है. ये चीज मैंने भी बताई थी आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर. समझा क्या? यस सर. राइट, अब यहां पर दूसरा जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, यहां जो फोर्स आएगा दैट फोर्स विल बी mg sin थीटा. राइट, अब इस mg sin थीटा को क्या मैं f रीस्टोरिंग लिख सकता हूं? यस सर. f रीस्टोरिंग. सुनो ना बात को, नहीं मैं SHM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीस्टोरिंग की बात कर रहा हूँ. रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है? जो वापस लेकर आए. SHM होगा या नहीं होगा वो तो अपनी बात की कहानी है. क्या ये बात समझ में आई? ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे अपने को लेंथ भी मार्क करनी है, तो अपन क्या करते हैं, लेंथ मार्क करते हैं. This is L. अरे यार, undo करने का ऑप्शन है क्या? I'm using this for the first time. It's on the right side. One second. ठीक है ना? देखना बच्चों, दिस इज एल विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम. अभी फिगर मत बनाना, इसीलिए मैंने कहा मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करूंगा. विच इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी मैं लिख रहा हूं, एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको. फिक्स पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का क्या कहते हैं, डिस्टेंस है लेंथ ऑफ पेंडुलम. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. राइट, अगर थीटा छोटा है तो आई कैन टेक दिस एज स्ट्रेट लाइन. यस सर. This can be taken as straight line if theta is small, right? ये आपका perpendicular बन गया. समझा क्या बच्चों? Yes sir. Right. तो अब from figure can I write sin theta as perpendicular Lx. Lx kaise? Sin theta as tan theta as theta. Yes sir. Which is equals to x by l, because theta is much much small. समझा क्या? यस सर. ओके, ये एक्चुअली मैं अगर यहां मार्क करना चाहूं ना, तो ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है. राइट? यस सर. ठीक है, तो अगर ये आया तो दिस इंप्लाइज
mg sin theta कितना आ गया mg x by l that is mg by l into x which implies again f restoring is equal to mg by l into x that is f proportional to माइनस ऑफ एक्स वेक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार माइनस ऑफ एक्स वेक्टर आई थिंक अब आपको समझ में आने लग गया होगा एक्स राइट में जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है राइट इंप्लाइंग मोशन विल बी एस एच एम राइट हेंस एफ एस एच एम इज इक्वल टू m omega square x is equals to mg by l into x implying omega is under root g by l which implies time period is 2 by root of l by g. This is time period of simple pendulum. क्या ये बात समझ में आई? Yes, right. Okay. Please note down. Sir, so this formula is only for time period of very small angles. हमारे केस में एंगल हमेशा स्मॉल होगा irrespective of unless they have stated that कि आपको बड़ा लेना है ठीक है okay. अगर बड़ा लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चे शिव छोटा एंगल लेंगे ना तो ये जो मोशन होगा ये जो लाइन होगी ये हम क्या ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं अगर एंगल बड़ा होगा तो मोशन क्या होगा सर्कुलर मोशन सर सर्कुलर तो वो ऑसिलेशन हो सकता है बट एसएचएम नहीं होगा ऑसिलेशन और एसएचएम में फर्क है आपको पता ही होगा एसएचएम में फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए राइट एंड सर इन ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू लाइक डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हां वो कुछ भी हो सकता है ऑसिलेशन में आपका वो जरूरी नहीं है कि वो हो राइट So please note down guys and let me know once you have copied. I'm sure I've done writing. बाकी बच्चे भी कॉपी कर ले. Done, sir. So 1 minute, sir. Yes, I'm waiting. No worries. Answer. Okay. Fine. यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है L है क्या ये बात समझ में आई कहां से कहां तक है fixed point to center of mass fixed point to center of mass right and in general we will consider our theta to be very small unless otherwise stated क्या मैं dictate करवाऊं ये point yes sir लिख लो We will always consider our theta to be very small. We will always consider our theta to be very small unless otherwise stated. Unless otherwise stated. Unless otherwise stated. यहां तक क्लियर है Yes, sir. Next point note down करो
टाइम पीरियड ऑफ सेकंड स्पेंडुलम इज 2 seconds. टाइम पीरियड ऑफ सेकंड स्पेंडुलम इज 2 seconds. Time period of second pendulum is 2 seconds and its length is 1 meter. देखो बोर्ड पे एक चीज और इसी में लिख लेना ऑल्सो pi square is approximately equal to g. Okay. तो जैसे अभी मैंने time period 2 pi under root l by g था ना, अगर l की value 1 है, ये और ये cancel हो जाएंगे. Yes sir. Right. तो this implies time period कितना आ जाएगा? 2 seconds. आपने जो भी लिखा उसके बाद ब्रैकेट्स में लिख लो. क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टेट किया जाता है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो वहां डायरेक्टली स्टेट किया जाता है कि सेकंड पेंडुलम है, तो पहले से ही हमें पता होना चाहिए. डन? यस सर. ओके, अब नेक्स्ट आता है इसी के एप्लीकेशंस. सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम. ओके, तो इसका केस 1 देख रहे हैं. Accelerating up with A. इसका फिगर मैं बना रहा हूं, बाद में कॉपी करना बच्चों. फिगर में क्या कई बार चेंजेस होते हैं. ये आपका लिफ्ट दे रखा है और एक्सेलरेशन A है. राइट, यहां पे आपने पार्टिकल को हैंग कर रखा है. ठीक, तो ऐसे केस में होगा क्या? टेंशन ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन a लगेगा. राइट? यस सर. क्या मैं इस केस में g फैक्टर की वैल्यू g प्लस a लिख सकता हूं डायरेक्टली? ये बात पता है कि आप लोगों को? अगर जी फैक्टिव आपका, हाँ हाँ भाई एग्जैक्टली, तो जी फैक्टिव अगर आपका जी प्लस ए आ गया तो दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड विच इज 2 pi अंडर रूट एल बाय जी फैक्टिव बिकम्स 2 pi अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए. राइट, केस टू की बात कर रहे हैं बच्चों. केस टू में क्या है? एक्सेलरेटिंग डाउन. अगर एक्सेलरेटिंग डाउन है विद ए तो डायरेक्टली लिख दूं जी फैक्टर विल बी जी माइनस ए. नोट A can't be greater than G, else string will slack. क्या ये बात समझ में आती है?
जो मैंने लिखा है. सो कैन यू एक्सप्लेन इट. अगर सुनना बात, अगर मैं ना फ्री फॉल करूंगा तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो गया, राइट? तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, नेट जी फैक्टर जीरो आ गया. बट अगर ए जी से भी बड़ा हो गया तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही ढीली हो जाएगी, राइट? तो फिर तो आप एस एच एम की बात ही मत करो. तो हमेशा हमारा ऐसे केस में ए हैज टू बी लेस देन जी, राइट? अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड बिकम्स व्हाट? टू पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए. समझा क्या? यस. दोनों केस नोट डाउन करो, फिर केस थ्री बताता हूं. Yes, sir. Done. Amaya, let me know once you have copied. Yes, sir. Done. Okay. Case 3. Horizontal acceleration equal to A. ये कार है, ए से एक्सेलरेट कर रही है. ओके, अब यहां पे ऑब्जेक्ट था, जैसे एक्सेलरेट करेंगे इस लाइन के अबाउट SHM होगा. वन सेकेंड. इस लाइन के अबाउट SHM होगा. क्यों होगा इस लाइन के अबाउट वो भी मैं बता देता हूं. देखो, जब एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल, सॉरी आपकी जो कार है, तो पार्टिकल भी पीछे क्या लगेगा बच्चों? सूडो फोर्स, एफ सूडो MA, राइट? नीचे क्या लगेगा? MG, राइट? तो यहां पे क्या आ गया? Fnet आ गया M अंडर रूट A स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. समझा क्या? यस सर. राइट, एज इन आपकी ये जो लाइन है, दिस बिकम्स योर इक्विलिब्रियम पोजीशन. समझा क्या? राइट. यस सर. हेंस
जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अलोंग इक्विलिब्रियम पोजिशन. यस और नो? यस सर. राइट, सो दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड विच इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट एल बाय ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर का अंडर रूट, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं कि पावर हाफ. समझा क्या? यस सर. प्लीज कॉपी. बुकलेट निकालो. वी स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस और फिर धीरे धीरे करके अपन जो भी इससे रिलेटेड जो भी पढ़ा अपन ने अभी तक उसके सारे क्वेश्चंस करते हैं. निकाला क्या बच्चों? यस सर. इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे पेज नंबर 94 पे. 1 2 3 4 5 पांच क्वेश्चन दे रखे, फटाफट सॉल्व करो. You should not take more than 10 to 12 minutes. So what page number? Page 94 in chapter exercise 3.
So for pendulum, what does amplitude mean? Like, can you draw it? So, कौन सा question कह रहे हो? So the fourth questions. That's the fourth question. क्या पूछा है उन्होंने? अच्छा pendulum में amplitude क्या है? Yes sir. हाँ amplitude आप क्या relate कर पाते हो? आप ये सोचो. So amplitude is the height of the wave, sir. So I'd say. No, not like that. देखो, हम क्या देखते हैं? यहां से पार्टिकल को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट राइट. अब अगर ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट है मतलब ये कौन सी पोजीशन हो गई बच्चे? सर मैक्सिमम पोजीशन. एक्सट्रीम हो गई? यस सर. अगर एक्सट्रीम हो गई तो मतलब यहां पे ये आपका क्या आ गया? एम्पलीट्यूड. ओके सर. देखो मोशन अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही होगा. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर्कुलर मोशन हो रहा होगा. तो मोशन स्ट्रेट लाइन में ही इस तरीके से छोटा सा ऑसिलेशन हो रहा है इस तरीके से राइट? यस सर. So can you help solve four? मैं कर रहा हूँ solve. हो गए क्या attempt पांचों questions बच्चों? Yes sir. So 1, 2, 3 I could do so. 4 and 5 are similar concepts. So कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ. Amaida? Yes sir, I was just doing the first one. करो. मतलब you can take two three minutes more and then we'll discuss all the questions one by one. Please check the answer key by the time.
Done, sir. Okay. Fine. मैं वन बाय वन कॉल आउट कर रहा हूँ, जस्ट कॉल आउट इफ यू हैव डाउट. क्वेश्चन नंबर वन में डाउट है बच्चों? क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर. शिव आपको डाउट है ना? यस सर. क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है. आई कांट फाइंड द हाइट डिस्प्लेसमेंट. सो आपको क्यों निकालना है हाइट वगैरह? कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ना. वी मैक्स क्या होता है बच्चे? ओमेगा टाइम से. ओमेगा कितना होता है? 2π/T. और एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 0.05. टाइम पीरियड 2 गिवन है. ओ अंडरस्टूड सर. 0.05 times of pi. Clear है? Yes sir. Question number 5 भी similar है. मैं एक बार कर ही देता हूँ, आपको doubt है तो 50 oscillations in 100 seconds. No sir, I just had a doubt about the amplitude bit. It was solved, sir. I was trying to use potential energy. Now it will happen. Okay. Velocity amplitude का मतलब क्या होगा? Max velocity right? V max. Perfect. That is omega a, and you can find the frequency accordingly. आप 50 oscillation 100 second में, तो one oscillation के लिए time 2 आ गया, तो time period आ जाएगा वहाँ से. And acceleration amplitude is again a max, which is again omega square a, right? Fine. नीचे आ जाओ बच्चों, ये copy कर लो जिसको करना है. Exercise 1 solve करेंगे. आप मुझे बताओ, वन में 1 to 13 का डिस्कशन हो चुका है आपका? नो सर. नहीं हुआ है? यस सर. यस सर. मतलब यस और नो? क्या? नो यस सर, वी डिस्कस. ओके. अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने वो है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 14, 15. ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फाइव से लेके थर्टी फाइव इतना सॉल्व करो बच्चों अभी. एंड इनफैक्ट 41.
कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे बच्चों? ओके In 31, is this sphere on the thread acting as a pendulum, sir? A hollow sphere is filled with water. हाँ, वो जो sphere है वो thread के साथ लटका हुआ है. Okay, sir. So up and down as a chance. Not up and down. जो हमने simple pendulum पढ़ा है ना, simple pendulum में जो bob था, जो object था, that object is sphere and that sphere is filled with water. Okay, sir. Okay.
डन सर सारे हो गए यस सर आई हैव अ डाउट इन फाइव ओके फाइव फाइव तो दिया ही नहीं है नो नो सर फाइव ऑफ द क्वेश्चन सर आई हैव डाउट सर अच्छा पांच क्वेश्चन में डाउट है बाकी के बच्चों का क्या स्टेटस है आधे आदित्य अमायरा I'm sorry, I have 10 questions left to attempt. I'm on the 35th. Sorry, Amaya? So just completing 35th. Sorry, okay. 5 questions, not 10. हाँ, करो करो जल्दी करो आधे आधे तक ओके आदित्य आदित्य आपका ही वेट हो रहा है बच्चे जल्दी से अटेम्प्ट करो हाँ हाँ आराम से ओके जस्ट वन मिनट बच्चों फाइन सो आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चंस जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव मतलब जस्ट कॉल आउट इफ यू हैव डाउट नॉट रेज योर हैंड क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 20 यस सर 20 में डाउट है 20 इज अ गुड क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों अ टनल इज डग इन अर्थ अक्रॉस वन ऑफ इट्स डायमीटर टू मासेस एम एंड टू एम आर ड्रॉप फ्रॉम द एंड्स ऑफ टनल द मासेस कोलाइड एंड स्टिक टू ईच अदर एंड परफॉर्म्स SHM अब आपसे क्या पूछा है एम्पलीट्यूड पूछा है ठीक है तो पहली चीज ये कोलाइड कहां पे करेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों So because they both fall with the same acceleration, so they cover the same distance. तो अगर हम देखें ये मैंने टनल बना दिया बच्चे राइट अब यहां पे जो पार्टिकल वन है ये नीचे जा रहा है राइट यस सर 2 mv से और पार्टिकल टू है ऊपर जा रहा है कितने से mv से दे विल हैव सेम वेलोसिटी ये समझ में आता है क्यों एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो वेलोसिटी सेम आ जाएगी राइट प्रूफ कर दूं क्या यहां पर सो 2 mv इज द मोमेंटम राइट सो ये मैंने क्या लिखा मोमेंटम
ऑफ वन जस्ट बिफोर कोलिजन. यस और नो? यस सर. ये बन गया आपका मोमेंटम ऑफ टू जस्ट बिफोर कोलिजन, राइट? वेलोसिटी सेम होगी क्या? ये बात समझ में आई? आपने रिप्लाई नहीं किया रिगार्डिंग दिस. यस सर, बिकॉज़ सर पोटेंशियल इज mgh, सो इफ यू टेक 2 mgh सिस्टम ऑन द अदर साइड ऑफ द मैटर. सो p इनिशियल सिस्टम कितना हो गया बच्चे? 3 mv. नहीं नहीं, 3 mv कैसे हो गया? सॉरी सर, mv. 2 mv प्लस माइनस ऑफ mv, दैट इज mv, राइट? फाइनल सिस्टम कितना हो गया बच्चे? 3m इंटू वी डैश, राइट? तो यहां से हमारा v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? v बाय 3 आ गया क्या? यस और नो? यस, राइट? अब अगर v डैश v बाय 3 आ गया तो ये हमारा क्या होगा? वी मैक्स होगा एट सेंटर. यस और नो? यस सर. फिर अगर ये वी मैक्स होगा तो वी डैश कैन बी रिटन एज ओमेगा टाइम्स ए डैश, which is equals to v की जगह डाल देता हूं ओमेगा a by 3. a डैश कितना आ गया? a by 3 आ गया क्या? which is equals to r by 3 because a is equals to r. initially amplitude radius के equal होगा. yes or no? yes sir. समझा क्या? yes sir. please copy. Done, sir. Fine. Question number 20 हो गया, 21? Yes, sir. Okay. 21 में देख लेते हैं बच्चे क्या दे रखा है. Two particle undergoes SHM along parallel lines with same time period and equal amplitudes. Okay. आगे क्या दे रखा है? At particular instant, one particle is at extreme position while other is at mean position. ठीक है, and they move in same direction. Phasor diagram बनाना सिखाया सर ने? Yes sir. This circle. ये circle बन गया. ये मेरा mean position है. Particle one को अगर मैं यहाँ ले लूँ, तो particle one इसके बाद किधर जा रहा है? इधर जा रहा है. राइट, अगर पार्टिकल टू यहां होता है तो उसकी इसका मोशन इधर होगा, और अगर यहां होता है तो इसका मोशन इधर होगा, राइट? यस सर. अब अगर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्लियरली लिखा है दे मूव इन सेम डायरेक्शन, तो ये वाली लोकेशन गलत है और ये वाली लोकेशन सही है, राइट? यस सर. ओके, अब आपसे क्या बोला है उन्होंने? दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर फर्दर टाइम, राइट? मैं एक और चीज लिख सकता हूं, T1 इज इक्वल टू T2 विच इंप्लाइज ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, राइट? करेक्ट? यस सर. अगर मैं देखूं phi इनिशियल दोनों के बीच में कितना है? phi by 2 है, करेक्ट? यस सर. तो अब अगर 2 यहां से यहां पहुंचेगा तो 1 यहां से यहां पहुंच जाएगा, राइट?
उसके बाद वन आपका यहां से यहां कहीं पहुंच रहा है, तो टू आपका यहां से यहां कहीं पहुंच रहा है। जस्ट टू मेक यू फील कि क्या हो क्या रहा होगा मोशन में, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। हम देख सकते हैं, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये वाई है तो यहां से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? वाई होगा, राइट? यस सर। यहां से ये अगर मैं इसको लेता हूं अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा, राइट? यस और नो? तो दिस इंप्लाइज एंगल ट्रैवर्स्ड बाय वन, वन ने कितना एंगल ट्रैवर्स किया बच्चे? 45 प्लस अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 4, राइट? दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। और यही चीज अगर मैं लिखूं एंगल ट्रैवर्स्ड बाय टू, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? पाई माइनस अल्फा विच इज अगेन इक्वल टू ओमेगा टी, दोनों सेम टाइम में सेम लोकेशन पे पहुंच रहे, राइट? पाई माइनस अल्फा कैसे लिखा है, समझा क्या? तो अगर ये समझ में आ गया तो दिस इंप्लाइज पाई बाय टू प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। So you can also think of it as, so angle between 1 and 2 will stay the same as 90 degrees because omega is the same. हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं। plus 2 alpha equals. हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है, right? So this implies omega t which is pi by 2 plus alpha will be equal to pi by 2 plus pi by 4. I can write this as 3 pi by 4. ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी इज 3 पाई बाय 4। तो यहां पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 टी बाय 8 आ जाएगा क्या आंसर? समझा क्या? यस सर। यही है क्या आंसर? यस सर। करो कॉपी। Done, किसी कोई और कॉपी कर रहा है? आधे आधे से one minute. हाँ मायदा। Yes sir, done. Okay, so this was question 21. 22. Yes sir, 20. 22 में doubt है? Yes sir, so the sphere is not a cube, so will be able to apply that formula? हाँ हाँ, apply तो हो ही जाएगा ना, a heavy brass sphere is hung. So say, because the cross-section area isn't constant, right, for a sphere? हाँ, but उसकी size के हिसाब से अपन देखते हैं ना, small is hung from a light spring, एक मिनट देख लेता हूँ मैं question. Brass sphere है बच्चे, पहली चीज तो, मतलब क्या होगा? फ्लोट करेगा क्या? नो सर। तो ये तो क्वेश्चन ही अलग तरह का है। एंड इज सेट इन वर्टिकल ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड टी, ठीक है। नाउ स्फीयर इज इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड विद डेंसिटी 1/10, ठीक है। एंड इफ द सिस्टम इज नाउ सेट इन वर्टिकल SHM इट्स पीरियड विल बी। तो बच्चे जब हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, है ना, तो हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं अपन, एंड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा,
राइट, जस्ट वन मिनट, ब्रासफियर दे रखा है अपने को, और क्या दे रखा है, स्प्रिंग से अपन ने वो करा रखा है, ठीक। तो एयर में क्या फॉर्मूला होगा आर्य आदित्य? यस सर। एयर में क्वेश्चन 22 में अगर मैं देखूं तो हमारा टाइम पीरियड इन एयर जो टी दे रखा है ये क्या होगा, 2π√ एम बाय के होगा क्या? एम बाय के। यस सर। राइट, अब जब मैं इसको पानी में सबमर्ज करूंगा, ठीक, तो यहां से एक चीज बताओ, वाइल ऑसिलेटिंग देयर विल बी नो चेंज इन एफ पॉइंट, इसलिए तो पढ़ाया था आज मैंने, पॉइंट फोर्स में चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट्स फुल्ली सबमर्ज्ड ऑलवेज, डेंसिटी ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी लिक्विड। यस सर। करेक्ट, तो इसकी वजह से एफ रिस्टोरिंग विल बी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग ओनली। यस सर। राइट, विच इंप्लाइज T water will be again 2π√ m by k, that is equals to T, that is the answer. समझा क्या? Yes sir. Copy कर लो. Yes sir, one minute. I'm sure, but in the back answer it's given as 10π/90. नहीं यार, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नो सर, इट्स टी, टी आ रहा है यार मैंने। हाँ सर, आई एम सेइंग माय मॉड्यूल इट्स 22 का ट्वेंटी फाइव के बाद क्या दिया था? 29 सर। 29, 30। यस सर। ओके, 30 में क्या दे रखा है बच्चों? वाइल अ पार्टिकल Executes SHM, the rate of change of acceleration is maximum and minimum. Rate of change of acceleration, acceleration change maximum कब होगा बच्चे? जब just before और just after values में changes ज्यादा आ रहे होंगे, right? बच्चों जिसको doubt था एक बार mic on करो ना। Yes sir. Acceleration का formula लिख देते हैं अपन, क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है क्या? यस सर। विद अ नेगेटिव साइन, सो डीए बाय डीटी कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स बाय डीटी। माइनस ओमेगा स्क्वायर वी सर। माइनस ओमेगा स्क्वायर वी, राइट। तो अब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं या एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? अगर डीए बाय डीटी मुझे मार्क्स चाहिए, then v should be max sir, which is at mean position, right? So v kya hona chahiye? Maximum. Max. Aur min chahiye to? Minimum t sir, which is at extreme. Under t min.
आंसर चेक करो, यही है क्या? क्योंकि इन्होंने ना एक चीज नहीं बता रखी हमें कि मैग्नीट्यूड की बात करें या किसकी बात करें। ऑल्दो मतलब जब नेगेटिव भी होती है वेलोसिटी तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम आएगा। राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31। यस सर। हाँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज स्ट्रेसफुली वो लिखवाया था कि लेंथ ऑफ पेंडुलम होता क्या है। आदे आदित्य, आपको डाउट है? यस सर। देखना, ये हमने पानी भर दिया ऊपर तक, यहां से होल से पानी बाहर गिर रहा है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है? एट द मिडिल, आई थिंक आई गॉट द आंसर। और जैसे 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 पानी वो होगा फ्लो आउट करेगा, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? नीचे डाउनवर्ड्स। और जैसे कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा वो वापस क्या हो जाएगा? ऊपर। तो क्या होगा, इनिशियली लेंथ इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इंप्लाइज टाइम पीरियड इंक्रीजेस एंड देन लेंथ डिक्रीजेस, इंप्लाइंग टाइम पीरियड डिक्रीजेस। समझा? यस सर। कॉपी कर लो एंड लेट मी नो। यस सर, कॉपी। 32। थर्टी थ्री हो गया। 33 बच्चों, यस सर, क्या इफेक्ट आएगा? सर, इट विल ऑलवेज डिक्रीज सर, बिकॉज व्हेन यू गेट अ चार्ज देन अ चार्ज विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेट व्हिच इंक्रीजेस डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स, वेरी गुड। तो वहां से आ जाएगा आपका। ओके, 34। यस सर, डाउन। 35। सर 34 आई हैव अ डाउट सर। अच्छा, 34 में डाउट है। क्या दे रखा है 34 में? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज E व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। क्या कर रहे हो यार? अगर डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू a बाय 2 है तो वेलोसिटी कितना होगा? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x इक्वल्स a बाय 2 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ओमेगा a रूट 3 बाय 2। What formula have you used here? Velocity is omega under root a square minus x square होता है ना? ये नहीं बताया क्या सर ने? I don't remember sir. One second. Sorry. Sir, I don't remember sir. Just let me check. यही तो formula है, velocity का formula क्या है? Yes sir. Found. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 3/4 एंड दिस इज नथिंग बट ई आ गया 3/4। समझा? यस सर। Let me know once you have copied. One sir. 35 के बाद 41। Yes sir, 41 आ गया। Two simple pendulum of time period 3 seconds and 5 seconds respectively start oscillating simultaneously from their mean position. What is the time elapsed before they oscillate with the same before which they oscillate with the same phase? Okay. Time period कितना दे रखा है first वाले का? 3 seconds. Omega one आ जाएगा 2π/3. Correct. Second वाले का कितना दे रखा है? 5 seconds.
टू पाई बाय फाइव, राइट? यस सर। अब एक चीज देखो, वापस सेम फेज में आना है, राइट? तो ये वाला फास्ट है और ये स्लो है, राइट? यस सर। ठीक, दोनों का फेज सेम होना चाहिए। ये नहीं बोला है कि दोनों है ना सेम मीन पोजीशन पे पहुंचने चाहिए, ओके? यस और नो? यस सर। तो अगर मैं ये मीन पोजीशन बना दूं, ओके, तो एक पार्टिकल तो 3 सेकंड में यहां पहुंचेगा, राइट? यस सर। दूसरा पार्टिकल 5 सेकंड में पहुंचेगा ऐसे घूम के, राइट? तो पीछे रह गया, तो 3 वाला और आगे आ जाएगा। यस सर। तो हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं क्या बच्चे, कि पहले वाले ने कुछ एक्स्ट्रा एंगल ट्रैवल किया होगा जितना फर्स्ट वाले ने किया है, प्लस समथिंग। यस सर। राइट। अच्छा, इसका सर्कुलर मोशन में भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेम्बर। सर्कुलर मोशन में मैंने ही पढ़ा था ना बच्चों? यस सर। राइट। तो अपन यहाँ पे ओमेगा रिलेटिव करके मैंने एक चीज पढ़ाई थी आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर। ये ओमेगा आ गया मेरा, तो ओमेगा रिलेटिव कितना आ जाएगा बच्चों? 2π/3 - 2π/5 = 15 है ना, 2π कॉमन, तो ये आ जाएगा 5 - 3 दैट इज 4π/15, ये आ गया, राइट? सेम फेस का मतलब क्या है? थीटा रिलेटिव कितना होगा बच्चे? 2π होगा क्या? यस सर। तो टी कितना आ जाएगा? 2π/4π/15 थीटा रिलेटिव बाय ओमेगा रिलेटिव दैट इज 2π/4π/15। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 7.5 आ रहा है क्या? समझा क्या? यस सर। प्लीज कॉपी। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ओके, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपको, सर ने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कराए थे क्या, कि पार्टिकल स्प्रिंग से अटैच नहीं है, नो सर, वी डिडंट डू दोस केसेस, उसमें टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नो सर। नो सर। तो ठीक है, ये पढ़ लेते हैं अपन, वी हैव टाइम। लिखो, हेडिंग लिखो। वी डिड वन क्वेश्चन वेयर देयर वाज अ कोलिजन वेयर वन ब्लॉक वाज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग एंड द अदर ब्लॉक कोलाइड्स विद इट, बट वी हैवंट डन दिस। ठीक है ना, लिखो। टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन व्हेन पार्टिकल इज नॉट अटैच्ड to a spring, time period of motion when particle is not attached to a spring, when particle is not attached to a spring,
देखो बोर्ड पे बच्चों, ये पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्प्रिंग, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यहां पे पार्टिकल आएगा v वेलोसिटी से ही आएगा क्योंकि स्मूथ दे रखा है, करेक्ट? यस सर। फिर पार्टिकल क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन, राइट? क्लियर है? यस सर। और उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, मूव कर जाएगा वी वेलोसिटी से और यहां पे डिटैच हो जाएगा, डिटैचेस फ्रॉम स्प्रिंग। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो अब इस डिटैच होने में इस पार्टिकल ने किस तरह का मोशन किया ये देख लेते हैं। SHM. SHM नहीं किया, ऑसिलेशन किया। कैसे? So the spring force is there. पार्टिकल ऐसे गया, राइट? यस सर। तो इस प्रोसेस में पार्टिकल ने क्या किया, हाफ ऑसिलेशन, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो विच इंप्लाइज अगर कोई मुझसे टाइम पूछता है तो दैट इज टी बाय टू, दैट इज वन बाय टू ऑफ टू पाई अंडर रूट एम बाय के। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई अंडर रूट एम बाय के। ये एक मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है, और उसकी वर्किंग समझाइए कैसे होती है। अब मैं इसमें बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं बताऊंगा। नोट डाउन कर लो। ओके, फाइन। अब मुझे बताओ क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज दूं या फिर लिखवा दूं बोर्ड पर? सो यू कैन सेंड ऑन द ग्रुप। यस सर। जस्ट वन मिनट, में को एक बार देखने दो कहां पर है वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूं बच्चे ग्रुप पे। देखो मैंने क्वेश्चन सेंड किया है, आ गया होगा बच्चों।
I got yes, sir. The motion is simple harmonics and the time period is 7 pi by 12 plus 1 by 2. Yes, sir, same for the time period. 7 pi by 12 plus 1 by 2 or plus 1 aa raha hai? So plus 1 by 2. Plus 1 by 2. हाँ तो गलत है बच्चों आपका. The most पहली चीज तो motion will be oscillation, not SHM, है ना? Why not SHM? SHM में बीच में जब motion हो रहा होगा, तो वहाँ पे will force थोड़ी लग रहा है between the springs. Okay sir, so there has to be force everywhere except one single point. Yes. Okay sir. बट आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का. आंसर द वेलोसिटी इज 120 सेंटीमीटर पर सेकंड 120 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड सेपरेशन इज 60 सेंटीमीटर राइट. सो टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट स्प्रिंग इज पाई बाय 3 देन द नेक्स्ट वन इज पाई बाय 4 तो आर दो सही है. वो सही है. आपने है ना जो गलती करी है ना बच्चे, वो गलती करी है बीच वाले मोशन के लिए. वी हैव टू ऐड हाफ ट्वाइस फर्स्ट. तो फाइनल आंसर 7 पाई बाय 12 प्लस 1. सो हो क्या रहा होगा बच्चों, यहाँ पे एक इस तरीके से दे रखा है, पार्टिकल है और यहाँ दूसरा स्प्रिंग है K1 K2 और ये सेपरेशन आपको L दे रखा है, इसकी वेलोसिटी V दे रखी है. मान लो पार्टिकल यहां आता है तो यहां से यहां जाएगा टी हाफ ऑफ टी डैश राइट, फिर यहां से यहां तक का टाइम टी लगेगा, फिर यहां से वापस आएगा टी हाफ ऑफ टी डबल डैश और फिर यहां से यहां तक का टाइम टी लगेगा. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी हाफ ऑफ टी डैश प्लस टी हाफ ऑफ टी डबल डैश प्लस टी टू टी प्लस टी हाफ ऑफ टी डैश प्लस टी हाफ ऑफ टी डबल डैश. सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 1 प्लस 7 पाई बाय 12, दैट इज द आंसर. समझा क्या? यस सर. प्लीज कॉपी. I'm so done. Yes, sir. Okay. Amayra, samjha bache? Jibran, samjha? Yes, sir. Have you copied, Amayra? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Main next question bhejta hu, bache. Just 1 minute.
सेंड किया है क्वेश्चन, देखो बच्चों। कॉपी हो गया क्या बच्चे? अच्छा कॉपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? सॉरी सॉल्विंग, राइट राइट राइट, सॉरी। AMSA will be assumed that the collision with the elastic wall is instantaneous. देखो ना वहाँ पे क्या दे रखा है? Question में clearly given है elastic wall है. Yes sir. So question has to be elastic. Collision has to be elastic only, right? AMSA yes sir, but I was asking whether the that collision would be instantaneous yes, or not. Yes. Okay, every collision is instantaneous. The time taken for collision is always negligible unless otherwise stated. Okay, sir. AMSA, I got the answer 2pi plus 1 into A by B. You have to give answer in terms of pi, m, and k.
ओके सर ओके सर आप स्प्रिंग कांस्टेंट को के मान लेना ओके दे रखा है क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड के टर्म्स में तो कभी भी नहीं आता आंसर टाइम पीरियड यस सर सो आई गॉट द आंसर 2π + 1 टाइम्स रूट ऑफ एम बाय के नहीं यार गलत है Can you explain me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Collide कहाँ पे कर रहा है वॉल के साथ? A by two पर? Yes, sir. Right. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दे रखा है ए बाय टू राइट प्लीज रिप्लाई यस और नो यस एंड द कोलिजन इज इलास्टिक यस सर तो अब जब मोशन देखेंगे अपन तो मोशन कैसा दिखेगा बच्चे मोशन दिखेगा यहां पे अगर मैं लाइन खींचूं तो यहां पे तो आएगा टी हाफ राइट यस और वॉल के साथ कितना होगा टी ये जाने का और ये टी आने का राइट यस सर सो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरा आंसर आएगा कैपिटल टी विल बी इक्वल टू टी हाफ The spice of tea. That should be my answer. Right? Yes, sir. अब मैं twice of tea को कैसे explain कर सकता हूं वो देख लेता हूं क्या ये हमारी mean position है Yes, sir. क्या यहां पे x आपका a sin omega t लिख सकते हैं हम x के equation? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा x इक्वल टू ए बाय टू है राइट यस सर फॉर टी हम क्या लिख रहे हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ए बाय टू इज ए साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कितना आ गया बच्चे 1/2 implies omega t comes out to be π/6 yes sir 2π/T into small t right इसको t dash लिख रहा हूं ऊपर है ना is equals to π/6
यहां से स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी बाय 12, तो ट्वाइस ऑफ टी कितना आ गया, टी बाय 6, एंड दिस टी इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट एम बाय के. यस और नो, राइट? सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ टी कितना आ गया, 2 पाई बाय 6 अंडर रूट एम बाय के, दैट कम्स आउट टू बी 5 बाय 3 रूट एम बाय के. यहाँ पे ये टी हाफ को डिफाइन कर दूं, 1/2 ऑफ 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, राइट? पाई अंडर रूट एम बाय के आ जाएगा. समझा क्या? उठा के यहां डाल देते, उठा के यहां डालेंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, पाई अंडर रूट एम बाय के प्लस पाई बाय 3 अंडर रूट एम बाय के, 4 पाई बाय 3 अंडर रूट एम बाय के. समझा क्या? दैट इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर है क्या पॉइंट? यस सर. कहां गड़बड़ करी है ये, इस टाइम को निकालने में गड़बड़ करी है. यस सर. राइट. अच्छा, हाँ बोलो. आई ट्राइड यूजिंग एनर्जी, सो द एनर्जी से टाइम कैसे निकलता है, एनलाइटन मी, कैसे निकलता है टाइम? सो वी कैन गेट द वेलोसिटी व्हेन एसएचएम दैट स्प्रिंग पार्ट इज डन, and with that velocity and we know the distance, so we can get time as well. So so what I did was the potential energy when the spring is fully compressed would be equal to the final kinetic energy of the mass mean position at mean position. So I got a velocity and I used that way. So I don't know what was wrong with that method. Karo note down, karo, main batata hun. आपका वहां जो आंसर आ रहा होगा वो ए के टर्म्स में आ रहा होगा. Yes, sir, but I can convert that into m by k, root m by k. Okay. कैसे कन्वर्ट किया वो भी बता दो मुझे एक बार. Yes, sir. So half kx, half kx square would be equal to half mv square, where x is equal to a. So I get a in terms of k, m and k. तो फिर तो आना चाहिए ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? So I'll go through my solution once after I have noted it. बच्चे गड़बड़ करी है इसमें, क्वेश्चन रीड करो. पार्टिकल डिटैच नहीं हो रहा है, पार्टिकल अटैच. ओके सर, दैट इज द प्रॉब्लम. यस सर, ये पार्टिकल अटैच्ड है, डिटैच नहीं हो रहा है, तो आपका सोल्यूशन गलत हो गया फिर. यस सर. राइट. यस सर. हमारे समझा बच्चे? यस
यस सर। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू सर।